ये देखिए क्या खूबसूरती है ये। यहाँ एक चीज़ मैंने जो अभी गौर कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई मॉडर्न जगह में, कोई फैंसी जगह में आए हैं। ये जगह पुरानी है, पर यही है कि इन्होंने अपने को, अपना जो ये यहाँ का कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, इसको मेंटेन किया हुआ है और इसको वो ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, एज़ इट इज़ स्टेटस को रखा है। और यही इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, एक ओल्ड वर्ल्ड फीलिंग। वेनिजिया देखिए, अभी हाइट ऑफ टूरिस्ट सीजन है इसलिए भीड़ बहुत है। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ। दोस्तों ये है वेनिस की गलियां, यहाँ की गलियों में पानी होता है जैसे आप देख रहे हो, और अब हम वेनिस की गलियों में जा चुके हैं। वेनिस की गलियां, गलियों में घूम रहे हैं। ये यहाँ की वाटर टैक्सीज जो सबसे पॉपुलर है, गंडोला राइड। देखिए आ रहा है गंडोला, तो बड़े स्किलफुली ये गंडोला चलाते हैं। देखिए काफ़ी नैरो है पर ये बात भी कर रहा है और बिल्कुल चला रहा है। ऐसा मैं वहाँ डल लेक में बैठा, शिकारा जो चलाने वाले हैं वो भी बड़े स्किलफुल होते हैं। दोस्तों हालांकि वेनिस के बारे में हमने बहुत बहुत फ़ोटोज़ देखी हैं, बहुत वीडियो देखी हैं, बहुत सुना है, पर जो एहसास होता है जगह में एक्चुअली जाके वो एक डिफरेंट ही एहसास होता है, डिफरेंट ही फीलिंग होती है। एक जो रियलिटी जो होती है वो हमेशा एक डिफरेंट लेवल में ही होती है, और जो एक्चुअली देखने का जो मज़ा है वो अलग ही है। ये टॉल टॉल बिल्डिंग्स के कारण जो यहाँ छाया काफ़ी है, ऐसे है जैसे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की छाया यहाँ पर बिल्डिंग की छाया, वरना भी काफ़ी गर्मी है, 35-40 डिग्रीज, 38-39। ये वही वाला कुत्ता जो नहा धो के आया है अभी, साफ सुथरा। ये देखिए एक और गली वेनिस की, एक तरफ पानी वाली गली, एक तरफ चलने वाली गली। ये लगता है यहाँ की टैक्सी पार्किंग, गंडोला पार्किंग। यहाँ तो ये जो गंडोला के जो कनाल थे वो नैरो हैं, पर गलियाँ भी इनकी यहाँ पर काफ़ी नैरो हैं। ये देखिए, और क्योंकि इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी खुली हुई हैं। कुछ चीज़ें यहाँ जो गौर करने की
हैं वो ये है कि एक तो यहाँ सफाई है, दूसरी बात यहाँ पर गार्बेज या गंद नहीं है, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई वायर्स नहीं दिखती, इलेक्ट्रिसिटी या केबल कोई वायर्स नहीं दिखती। ये देखिए सारा टूट सा तो रहा है पर सारा कुछ साफ है। अभी हम लोग यहाँ काफी कूल है, यहाँ धूप नहीं है, लगता है जैसे कि हम कोई जोधपुर बीकानेर के गलियों में घूम रहे हैं, जो ओल्ड जोधपुर एरिया है मेहरनगढ़ फोर्ट के पास, ऐसी गलियाँ हैं छोटी छोटी, खैर वो कनाल्स नहीं है पर गलियाँ ऐसी हैं। तो यहाँ पर अगर कोई रात में गुम हो जाए तो ये काफ़ी एक मेज सा है और यहाँ बंदा काफ़ी बुरी तरह से खो सकता है।